लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट कल जारी की थी, जिसमें पंजाब के भी 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। इस लिस्ट के बाद पंजाब में बीजेपी के अंदर भी बगावत शुरू हो गई है। ये बगावत शुरू हुई है होशियारपुर से। दरअसल होशियारपुर से इस बार बीजेपी की तरफ से जो मौजूदा सांसद हैं सोम प्रकाश, उनका टिकट काटकर हालांकि उनकी पत्नी अनीता सोम प्रकाश को ही दिया गया है, लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हुई उसके कुछ समय बाद ही वहां से विजय सांपला की तरफ से बगावत की गई। उन्होंने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल यानी कि एक्स से मोदी का परिवार जो शब्द है वो भी हटा दिया और उनकी तरफ से एक पोस्ट भी डाली गई थी जिसमें लिखा गया था कि अगर कुछ रास्ते बंद होते हैं तो कुछ और नए रास्ते भी खुल जाते हैं। लेकिन अब जो चर्चा चल रही है वो ये है कि वो बीजेपी छोड़ सकते हैं, हालांकि किस पार्टी में जाएंगे ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। कुछ ही समय बाद या कल तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो किस पार्टी में जाएंगे। हालांकि चर्चा ये चल रही है कि वो कांग्रेस या अकाली दल में भी शामिल हो सकते हैं। सोम प्रकाश वहां से मौजूदा सांसद थे, उनकी पत्नी को इस बार वहां से चुनाव मैदान में उतारा गया है। लेकिन विजय सांपला की अगर बात करें तो होशियारपुर से वो 2014 के लोकसभा चुनाव जीते थे और वहां से सांसद थे, लेकिन 2019 में भी विजय सांपला का टिकट बीजेपी की तरफ से काट दिया गया था और उनकी जगह पर सोम प्रकाश को जो है चुनाव मैदान में उतारा गया था। लेकिन 2024 के जब लोकसभा चुनाव आए तो उन्होंने भी दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी की तरफ से इस बार भी उनको नकारा गया, उनको इस बार टिकट नहीं मिला। विजय सांपला को एक दलित नेता के रूप में भी देखा जाता है, पंजाब के बड़े दलित नेता के तौर पर भी उनको देखा जाता है। अगर पंजाब के दलित नेताओं की बात करें तो बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनका कद काफ़ी बड़ा हो, लेकिन विजय सांपला का दलित होने के कारण उनका कद जो है काफ़ी बड़ा माना जाता है। और अब अगर वो पार्टी छोड़ते हैं, चुनाव बिल्कुल पास है और ऐसे वक्त में बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि इस तरीके के साथ एक दलित नेता का छोड़ना पार्टी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा और मैसेज भी एक गलत जाएगा कि दूसरी पार्टियां जो विरोधी पार्टियां हैं बीजेपी की वो भी ये मुद्दा काफ़ी उठा सकती हैं कि एक दलित नेता को नकारा गया। और विजय सांपला अगर पार्टी छोड़ते हैं जैसे चर्चाएँ चल रही हैं तो ये बीजेपी के लिए पंजाब में बड़ा झटका होगा। चंडीगढ़ से TV9 भारतवर्ष के लिए हरपिंदर सिंह।